हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक। तो गाइस, मैं क्षमा चाहूँगा कि ये लेक्चर जो है काफ़ी लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं ऑफिशियल वर्क से थोड़ा बिजी हो गया था। ठीक है, तो कोई नहीं, इस वीडियो में थोड़ी सी थ्योरी है और वो क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, और ये लास्ट लेक्चर है हमारा वायरलेस सिक्योरिटी बेस में। ठीक है, तो इसके बाद हमारा वायरलेस का सारा कुछ सेशन नेट 200301 में जितना है से ज़्यादा ही मैंने बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसमें सारा कुछ उतना ही रहेगा। कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा एडवांस लेवल का बताऊँ। एक दो दिन में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हम बात कर रहे हैं, इंडोर एपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडोर एपी एंड एंटरप्राइजेस नेटवर्क के लिए हमारा WNC। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 100+ या 1000+ हो जो अभी हमारा WNC वाले कंट्रोलर जो है हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है, तभी हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि आपको ये सब देखने मिलेगा छोटे मोटे नेटवर्क पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। व्हाट इज ऑथेंटिकेशन? ठीक है, ये कुछ थ्योरी वो आप देख लें, मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑथेंटिकेशन मीन्स क्या है? जैसे कि हम किसी प्लेटफॉर्म या होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं, है ना, कोई चीज़ थोड़ा सा टाइम पास कर लिए या थोड़ा सा सोचिए चलो ऑफिशियल वर्क कर लेते हैं, वहाँ पे हमें एक SSID शो कर रहा होता है, वो SSID पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने मोबाइल की वाईफाई ओपन करो या लैपटॉप की वाईफाई की ओपन करेंगे और वहाँ पे शो करेगा और उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक ही प्रोसेस हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा व्हाट इज ऑथेंटिकेशन मेथड। जो हमारा ये ऑथेंटिकेशन मेथड है, इसमें क्या होना है? इसमें होता है क्या है कि जैसे कि हमने एक आपने देखा होगा अभी रेल वायर वाला, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे गए वहाँ पे कनेक्ट किए तो वायर रेल वायर का ऑप्शन शो करता है, उस पर क्लिक करते हैं, फिर वहाँ पे हमें अपना नंबर डालना होता है ना। ओपन है, कोई पासवर्ड आपको उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप पासवर्ड डालें। ठीक है, वो कनेक्ट हो जाएगा, OTP आएगी और आपको एक्सेस दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये मेथड है उसके। और ये देख सकते हैं आप, इसमें कुछ पर्स एडिट की है। पर्स एडिट क्यों क्यों होता है? क्योंकि हमारा ये पर्सनल होता है ना, जो WPA2PS के होते हैं हमारा। जैसे WPA में 3 टाइप्स के होते हैं जो कि मैं आगे देखने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ आपको, वहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, एक होता है WPA, ठीक है, ये थोड़ा सा वीक सिक्योरिटी है। फिर WPA2 आया, फिर WPA3 आया। ठीक है, तो WPA2 में हमारा क्या होता है कि ये हमारा पर्सनल होता है, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, वाईफाई, उसमें पासवर्ड डालते हैं और कनेक्ट करते हैं। उसमें जो हमारा यूज़ होता है हमें पासवर्ड डालने के लिए, जो कि मिनिमम 8 डिजिट से लेके 64 डिजिट की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारा पर साइड की मेम लोड डालते हैं। ठीक है, और जैसे हमारा उससे एडवांस लेवल होता है वो इंटरप्राइज नेटवर्क के लिए, जो कि लेटेस्ट नेटवर्क होता है, वहाँ पे हम AAA सर्वर वगैरह यूज़ कर लेते हैं, या आप नॉर्मल आपके घर के राउटर को भी बना सकते, यूज कर सकते हैं, आप चेक करना चाहें तो करेंगे, है ना, कोई इशू नहीं, आप कर सकते हैं। देन हमारा जो स्टार्ट होने वाला ये व्हाट इज इंक्रिप्शन। ठीक है, इंक्रिप्शन क्या है मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल ले दो। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा ड्राइंग कर लेते हैं। देखें, जैसे कि हमारा ये स्विच है, यहाँ पे हमारा एक केबल अटैच है। ठीक है, जो डेटा यहाँ पे ट्रेवल हो रहा है फिजिकल फिजिकल लेयर हो गया ना, लेयर 1 पे, तो ये जो डेटा ट्रेवल कर रहा होता है किस पे कर रहा होता है? ये बिट पे कर रहा होता है ना, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद में जब ये हमारा डेटा ट्रेवल होके जाता है स्विच पे, ठीक है, जो L2 की स्विच है, और यहाँ पे हमारे एक PC कनेक्ट हुए होते थे। ठीक है, इसने बेचारे ने PC ने ML ओपन किया, डेटा गया, ठीक है, वो बिट के थ्रू जाएगा, और जब यहाँ पे स्विच के पास पहुँचेगा तो वहाँ पे एक फ्रेम जनरेट होता है। ठीक है, जैसे कि हम उसको मेल के तरीके से, इसमें उसने सारा कुछ इंफॉर्मेशन दे दी है। उसके बाद में हमारा काम क्या होता है, मैक एड्रेस पे जाता है और फिर आपके राउटर पे जाएगा, फिर उसके आगे डेटा ट्रेवल करेगा। ठीक है, वो सारा कुछ प्रोसेस है। तो इसमें क्या था, ये आपका फिजिकल लेयर हो गया। देन अभी ये इंक्रिप्शन का जो काम होता है ना एक्चुअल में, तो डेटा को डी इंक्रिप्ट एंड इंक्रिप्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका वायरलेस है, उसमें भी सेम प्रोसेस है। वायरलेस में आपका डेटा ट्रेवल कर रहा होता है, डेटा इंक्रिप्ट होती है और डी इंक्रिप्ट भी होती है। ठीक है, वो मैं आगे एक थोड़ा सा छोटा सा रखा हूँ, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। चलिए ठीक है, ओके, मैं एक एक करके देखने वाले सारा कुछ। यहाँ पे देखें,
एप्लीकेशन लेयर में ये WAI करके है, आपका सेशन लेयर में WSP है, और ट्रांसपोर्ट लेयर में WTP है, एंड सिक्योरिटी लेयर में WTLS है, एंड ट्रांसपोर्ट लेयर में WDP है। ठीक है, ये अलग अलग लेयर में, जैसे कि हमारा 7 लेयर्स होता है, उस पर हर एक प्रोटोकॉल सिक्योरिटी बेस पे भी काम करता है जो कि वायरलेस में काम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, चलिए आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो गया और हमारा ये क्लियर हुआ। उसके बाद हमारा क्या है, ओके, सिक्योरिटी कितने टाइप्स के होते हैं? दो ही टाइप्स के होते हैं, आपको पता है, एक पर्सनल, एक एंटरप्राइजेस नेटवर्क। ठीक है, उसके अंदर हमारा ऑथेंटिकेशन एंड मैसेज इंटेग्रिटी क्या है, और मैसेज प्राइवेसी इंक्रिप्शन क्या है। सो एक एग्जांपल देख लेते हैं आपको, जैसे मैंने वहाँ पे भी एक बनाया था आपको डायग्राम में, वहाँ पे आपकी पीसी है या आप सिस्टम पे बैठे हुए हैं और आप एक स्विच से कनेक्टेड हैं। ठीक है, और फिर आपका राउटर से कनेक्टेड है सारा कुछ। ठीक है, तो ओरिजिनल डाटा आपने क्या किया कि आपने हेलो टाइप्स किया, और जैसे व्हाट्सएप ही एग्जाम्पल के तौर पर ना व्हाट्सएप ले लेता हूँ, मैंने हेलो मैसेज सेंड कर दिया। ठीक है, वो हेलो मैसेज जब भी मैंने सेंड किया तो कंप्यूट MIC जो है, मैसेज इंटीग्रिटी चेक, ठीक, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपका एक हेडर ऐड हो जाएगा C3 सिक्योरिटी बेस। उसके बाद में आपका डाटा एनक्रिप्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जो हेलो C3 ऐड हुआ वो आपका हैश टैग में हो गया। उसके बाद में जब आपका रिसीवर के पास पहुंचा डेटा, वहाँ पे डी एनक्रिप्ट हो गया, वहाँ पे क्या हुआ, हेलो C3, देन कंप्यूट हुआ, MIC हुआ, वहाँ पे C3, मेन नोट्स का जो टैग था वो C3 था, उसने चेक किया, हाँ ठीक है, कंप्यूट करके MIC आपको ओके कर देगा, देन आपका मैसेज आपके रिसीवर के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके, देन यहाँ पे देखें जो मैंने बताया, ओके, तो WPA क्या है, ये बहुत ही वीकनेस थी और बहुत ज़्यादा इसमें अटैक्स आ सकते थे, डोस अटैक्स होते थे, है ना, और कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके वायरलेस नेटवर्क को लोग कैप्चर कर लेते थे। जैसे कि आपको पता है, एक ओल्ड सैमसंग मोबाइल आया करती थी बहुत पहले, तो 7-8 साल पहले देख रहे हैं ना, तो उसमें WPS का एक जैसे वाईफाई का ऑप्शन था, उसे ऑप्शन आया हुआ करता था, तो आप राउटर में WPS बटन हुआ करती है, अभी भी होती है, उसको प्रेस करेंगे और आपके मोबाइल में वो प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका राउटर आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाता था। ठीक है, तो काफ़ी वीक थी, 2003 में सारा कुछ हुआ था, और उसके बाद में इन्होंने डेवलप किया अच्छे खासे से, थोड़ा स्टैंड किया अपने आप। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, WP2 करके निकाला, जो कि सिक्योरिटी बेस्ड अच्छा है। WP2 थोड़ा एडवांस हो गया और आपके सिक्योरिटी बेस के लिए ठीक हो गया, इसके लिए उन्होंने थोड़ा सिक्योर बना दिया उसको। WPA दो टाइप्स के हो गए, आपको WPA पर्सनल हो गया, एक एंटरप्राइज नेटवर्क के लिए हो गया। इंटरप्राइज नेटवर्क में आप चाहें तो आपके एक्सेस पॉइंट से या WSA से कॉन्फिगर करा सकते हैं, या चाहें आप रेडियस सर्वर लगा लें, ठीक है, या AAA सर्वर। एंड WP3 ये आपका इंटरप्राइज नेटवर्क के लिए, ना कि आपके लोकल नेटवर्क के लिए। ओके, ओपन ऑथेंटिकेशन क्या है, जो मैंने आपको बताया कि आपको कोई प्लेटफॉर्म या आपको, है ना, कोई भी आप होटल में रेस्टोरेंट में जाते हैं तभी आपको ये चीज़ ओपन ऑथेंटिकेशन, आप कोई भी वेब पे जाते हैं, मतलब आपने एक वाईफाई को कनेक्ट किया, उसने एक आपको शो कर दिया कि इस वेबसाइट पे जाएं, उस वेबसाइट पे जाते हो और उसके अंदर वहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, आपका कैप्चा या एनीथिंग, ठीक है, उसको टाइप करते हैं आपका कनेक्ट हो जाएगा, ओपन स्टैंडर्ड है, ना कि कोई इशू है, ना कि उसमें कोई पासवर्ड है। पर शेयर क्या होता है, पर सेट की वही है, आपका पासवर्ड जो डालने का ऑप्शन होता है WP2P के में, ठीक है, उसको हम पर सेट की कहते हैं। एंड WP2 इंटरप्राइजेस क्या है, वो आपका रेडियस नेटवर्क है, आप चाहेंगे तो आपके घर पे वाईफाई होगा तो वहाँ पे चेक करें, ये बेसिक लेवल है। आप ये ना सोचिए कि ये छोटी सी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, आप थ्योरी पढ़ें, ठीक है, और आपको परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आपको जब आप नेटवर्क या IT के फील्ड में जाएंगे तो जब आपके सामने चीज़ें आएंगी तो ऑटोमेटिकली सारा कुछ आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम बाइक चलाते हैं तो हमें किसी ने गाइड कर दिया, अभी क्लच पकड़ना है, ठीक है, उसके बाद में गियर लगाना है, और हमें फिर ब्रेक मारना है, चारों गियर में ब्रेक नहीं मारना है फिर आप आगे नहीं जा पाएंगे, ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे किसी को बताने से नहीं मजा आएगा, मतलब आप जब चला रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में
स्टोर हो जाती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। देन ठीक है, एक्चुअल में जब आप डब्ल्यू एस सी जो वायरलेस लैन कंट्रोलर है सिस्को का, आप उसको अटैच करेंगे आपके पावर कोर्ड से, एंड देन आप अटैच करेंगे आपके कंप्यूटर से, ठीक है। और उसके बाद में आपको उसमें बैक साइड देखेंगे, बाय डिफॉल्ट है कि आईपी एड्रेस लिखी होती है, यूजर नेम पासवर्ड भी लिखा होता है, एडमिन एडमिन हो सकते हैं या सिस्को हो सकते हैं, ठीक है, सिस्को एंड रूट्स। तो कुछ इस तरीके से भी आप वो आईपी डालेंगे और इस तरीके से पेज ओपन होगा, देन लॉगिन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में हमारा ऑप्शन आ जाएगा यूजर नेम पासवर्ड के लिए, साइन करेंगे, उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा इसमें, ठीक है। एडवांस में जाएंगे और एक्सेस पॉइंट क्लाइंट्स रोग एक्सेस पॉइंट क्लाइंट्स इंटरफेस, ठीक है, जो भी जाना है इसमें देख सकते हो। तो हमें इन सब चीज़ों को कुछ नहीं टच करना है, हमें एडवांस पे क्लिक करना है, उसके बाद में हमारा जो ऑप्शन आएगा सामने वो कुछ इस तरीके से पेज खुल गया आएगा। ओके, तो उसके बाद हमें क्या करना है, कंट्रोलर पे क्लिक करना है, देन इंटरफेस पे क्लिक करना है और उसके बाद में न्यू में, जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है, वो इस तरीके से ओपन होगा। वहाँ पे आप जो मैनेजमेंट आईपी विलेन बनाना चाहते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीपल बना सकते हैं, कोई इशू नहीं, हम बात कर चुके हैं इससे पहले प्रीवियस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। ओके, एंड ज़्यादा ही आ गया फॉरवर्ड में। देन उसके बाद क्या करना है, फिर से कंट्रोल पे क्लिक करना है और आपको ये सामने से शो करेंगे इस तरीके से इंटरफेस, ठीक है, आपके सामने पेज ओपन होगा। देखिए ये जो हम देख रहे हैं GUI मोड कहते हैं इसको, ग्राफिकली यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो उस चीज को सजेस्ट करती है कि आप ज्यादातर GUI मोड पे ही काम करें इन सब चीजों पे, ठीक है, या आपके बेसिक जो आप सिस्को के स्विचेस आती हैं, ठीक है, SG के सीरीज में, उसमें भी ठीक है, कोई इशू नहीं। देन इस तरीके से पेज ओपन होगा, पोर्ट नंबर आपको क्या रखना है, बैकअप पोर्ट नंबर क्या है, एक्टिव पोर्ट नंबर क्या है, वो सारा कुछ करना है, एंड इंटरफेस एड्रेस क्या रखना है VLAN 20 के लिए, ठीक है, ओके, ये सारा कुछ ठीक है, देख लें। देन आपको ये सारा कुछ करने के बाद में डब्ल्यू लेंस पे क्लिक करना है, ओके, उसके बाद आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा जनरल, ओके वहाँ पे आपका सिक्योरिटी बेस आपको दिखेगा, सिक्योरिटी का वो दिखेगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस पॉलिसी मैपिंग एंड एडवांस। तो सो अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टेटस देख रहे हैं, वहाँ पे नहीं इनेबल है तो ये इनेबल कर देंगे यहाँ पे, ओके। तो इनेबल करने के बाद में इंटरफेस के ग्रुप में देखेंगे VLAN 20 ऐड करना है, ये इनेबल नहीं रहेगा तो यहाँ पे इनेबल करना है, एंड देन आपको जाना है सिक्योरिटी बेस, ओके। जब भी आप सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं तो ट्रिपल ए सर्वर है, अगर आपने उसको लगाया है कोई इशू नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो उसको अगर आपने कनेक्ट किया है तो उसकी आईपी एड्रेस क्या रखनी है, पोर्ट नंबर क्या रखना है, वो सारा कुछ देखना है। देन आपका Layer 2 पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो देखना है। जब भी आप Layer 2 पे क्लिक करेंगे ये देखिए WPA+WPA2, ठीक है, ये रहेगा, और PSK इनेबल करना है, जो भी CC केम है, 802.1x है, ये सारा कुछ इंटरप्राइज लेवल के हैं, ठीक है, एंड देन आपका Layer 3 पे जाएंगे और ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। और जब सारा कुछ आप कर लेंगे एंड अप्लाई कर देंगे उसके बाद आप स्टेटस चेक करेंगे इंटरफेस के, तो ये सारा कुछ इस तरीके से शो करेगा, ओके। आप कितने क्लाइंट्स कनेक्ट हैं नहीं है वो सारा कुछ आप मॉनिटर यहाँ से कर सकते हैं, और ये सारी कुछ चीज़ें हैं। ओके, होप कि आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रही हो लाइफ टाइम, ओके। सो इससे पहले हमने जो देखा था बेसिक लेवल की चीज़ें, हमने WLC कॉन्फ़िगर किया था सिस्को पैकेट ट्रेसर में, तो वो किया था हमने GUI मोड पे, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, ये चीज़ मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको दी है, ये लैब आप देखें, कोशिश करें इस तरीके से लैब तैयार करें और थोड़ा सा होमवर्क भी कर लिया करें आप लोग, है ना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कमांड दे रखा है, आपको परेशान नहीं होना इन चीज़ों को लेके, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसे कॉपी पेस्ट करें और उस पर प्रैक्टिस करें,
अगर आपको कोई चीज नहीं समझ रही है तो प्लीज हमें कमेंट करें और बताएं, ठीक है, क्या दिक्कतें आ रही हैं। और मुझसे जुड़े रहने के लिए अगर आप सोच रहे हैं मेरा कॉन्टेक्ट नंबर कैसे मिल सकता है, तो आप टेलीग्राम पे जाएं, माजी नेटवर्क चैनल को सर्च करें, वहां पे मैं मिल जाऊंगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। परेशान नहीं होना उनसे चीज़ों को लेकर। ये देखें, वुड यू लाइक टू टर्मिनेट ऑटो इंस्टॉलेशन, ये सारा कुछ वहाँ पे देखे हैं, यस करना है, ये सारा कुछ करना है, और ये सारा कुछ आपका सीएलआई मोड का है, ठीक है। ऐसे पहले हमने जीयूआई मोड पे देख चुके हैं सारा कुछ, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए मैं सारा कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, और ये सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंने आपको लैब दिया है उस पर काम करने के लिए, ठीक है। ओके, सो गाइस इस वाले वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका एक वीडियो, जो आउटडोर एपी होते हैं एक्सेस पॉइंट, ठीक है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे, मतलब 1 से या 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के बीच में या 10 किलोमीटर के बीच में आपको कॉन्फ़िगरेशन अटैच करानी है नेटवर्क को आपके, तो कैसे करा सकते हैं उसको मैं आपको रियल डिवाइस पे दिखाऊंगा, मेरी कोशिश यही है, ठीक है। सो प्रेशर नहीं होना, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो आपको मिले आप उसे देख सकें, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह हम जल्द मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।